हमारा प्रोग्राम एक मैसेज था एक चुनावी खिते से जो हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं डिफरेंट एरियाज से हैं और ये लगभग 4 डिस्ट्रिक्टों पर है और इसमें चूँकि अभी हमने इनिशिएटिव लिया है तो कुछ अजीज़ान ऐसे थे जिनका हमें अभी फेस भी नहीं पता था तो वो एक मैं करके चल रहे थे। कोशिश ये है कि मैं से हम हो जाएं और जो भी हमारी मुश्किलात हैं इस प्रोफेशन में वक्तन फ़ौक्तन जब बच्चा गाँव से निकलता है यूनिवर्सिटी पहुंचता है और यूनिवर्सिटी से लेकर कोर्ट तक पहुंचने में और कोर्ट से छोटी कोर्ट से बड़ी कोर्ट तक पहुंचने में उसको जितनी भी ज़रूरियात होगी इस एसोसिएशन इस ऑर्गेनाइजेशन का ये होगा कि उसको हरदम हर कदम उसके साथ रहे। मेन मुद्दा इसका ऑर्गेनाइजेशन का ये हमारा चिनाब वैली चिनाब लायर्स फेडरेशन चिनाब लायर्स फेडरेशन का मतलब अभी हम क्या इसमें मतलब काफ़ी देर से यहाँ बाकी फेडरेशन भी काम कर रही हैं जी 12 सेशन है बाकी एसोसिएशन हमारा तो मगर चुनाव आज क्या जरूरत पड़ी कि आपको चुनाव लायर फेडरेशन बनाने। मैंने आपको शुरुआत में कहा कि हम उस इलाकों से रहने वाले हैं जो फारफ्लंग मैक्सिमम फारफ्लंग एरियाज है जिनकी एक्सेसिबिलिटी आज तक भी कई इलाकों में नहीं है और वहाँ से जो बच्चा एक चल के आता है और हम चूँकि कुछ साल यहाँ इस प्रोफेशन में 10 या 15 साल से कुछ कुलीग मेरे ज़्यादा भी होंगे और इवन कुछ हमारे सीनियर साहिबान हैं जिनको अभी हम रुजू करेंगे इस बारे में काफ़ी देर से हैं तो उनकी मुश्किलातों को पर्टिकुलर देखने के लिए बाकी हमारा किसी ऑर्गेनाइजेशन से कोई टकराव नहीं है। हम अम्ब्रेला जे एंड के बार एसोसिएशन में हैं उसमें कोई हमारा वो नहीं है जो हमारी एसोसिएशन मैन है हम सब उसके मेंबर हैं। हम यहाँ इस ऑर्गेनाइजेशन का यही है कि टू फोकस ऑन आवर ओन चिल्ड्रंस नथिंग मोर देन नथिंग लेस। जो फेडरेशन है बाकी एसोसिएशन बाकी वगैरह जी ये सिर्फ आपका हाई कोर्ट का फेडरेशन है कि बाकी आल मतलब जब लवर कोर्स है या बाकी कोर्स है उनके साथ नहीं इसमें हमारा पूरा खित्ते के जितने लोग प्रोफेशन में हैं चाहे वो डोडा में हैं चाहे वो किश्तवाड़ में हैं चाहे वो रामबन में हैं हम इंटरकनेक्टेड हैं और उनके जो मसलो मसाइल अपने बच्चों के होंगे जो इस प्रोफेशन में आ रहे हैं ये पर्टिकुलरली फोकस उस तक है। मतलब जो बच्चे नए आ रहे हैं उनके लिए आप एक हाँ जो ऑलरेडी हैं कुछ आ रहे हैं उनके लिए हम जितना हमारा हो सकेगा वो हम करेंगे प्लेटफॉर्म। आज चिनाब लायर्स फेडरेशन का जो ये इनिशिएटिव था पहला इंटरेक्शन सेशन किया हमने आज जम्मू हाईकोर्ट बार में। ये एक ऑर्गेनाइजेशन 3 डिस्ट्रिक्ट्स पे मुश्तमिल है यहाँ के लोग यहाँ के हम मैं जिसे बोलूँगा ये सोशो लीगल एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ खड़ी की गई है। वहाँ के लीगल फर्टर्निटी जो वहाँ पे काम करते हैं उस एरियाज़ में काम करते हैं या हिंदुस्तान के कहीं भी किसी कोनों में काम करते हैं उनको सपोर्ट सिस्टम चाहे नए बच्चे आते हैं या चाहे पुराने हैं। अभी तक यहाँ जम्मू हाईकोर्ट बार जो थी ये उसी का एक मैं बोलूँगा कि उसी के अंडर हम भी काम कर रहे हैं लेकिन डेलीगेट पावर इसलिए नहीं हो पा रही थी कि हमारा एरिया जो है बहुत वसी है आप सभी जानते होंगे वो एक ऐसा एरिया है वैसे तो हम ज़्यादा एक्सीडेंट्स में माने गए हैं वहाँ पे वो जो आप सारे जानते होंगे लेकिन एक एक्सपेक्ट ये भी है कि ये जम्मू हाईकोर्ट बार में इस वक्त लगभग
45 से 50% लोग ऐसा है जो उन एरियाज से यहाँ पे काम करता है, लेकिन आपने कहीं नहीं देखा। उनकी बड़ी मुश्किलात हैं, किसी का लीगल हिसाब से मुश्किलात है, किसी का फाइनेंशियल हिसाब से मुश्किलात है, कभी सीनियर्स की मुश्किलात हैं या बाकी मुश्किलात हैं, यहाँ वहाँ ट्रैवलिंग में मुश्किलात आती है। आप देखते हो या सुनते होंगे कि अक्सर वहाँ पर देखा गया है कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ एक्सीडेंट हुआ है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे भी इस प्रोफेशन में मुश्किलात आती हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए वहाँ एरिया में क्या क्या सोशल प्रॉब्लम्स हैं, लीगल प्रॉब्लम्स हैं, उन सब को काटर करने के लिए आज फारूक अहमद साहब नटनू की सरपरस्ती में ये एक फेडरेशन बनाई गई है, ताकि वहाँ के लोगों को हम लीगल एज वेल एज सोशल एक चीज़ें दें, ताकि वो वहाँ की जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको फेस करने में उनको सपोर्ट मिले। सर, जो यंग लॉयर्स, देखो यंग लॉयर्स का जहाँ एक मुद्दा है, यहाँ यंग लॉयर्स एसोसिएशन ऑलरेडी काम कर रही है, यंग लॉयर्स वहाँ पे जुड़ सकती है, यहाँ हमारे एरिया के जो नए बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे एक ग्रुप बनाया गया है, इसमें पूरा एक हायरार्की है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी है, उनके लिए हमने मेंबरशिप का एक प्रावधान रखेंगे उसमें कि वो आके इसमें जुड़े, जो भी उनके छोटे छोटे मसाइल हैं किसी भी लीगल या कोई भी, हम वहाँ से इवन कि वहाँ के लीगल जो लोग आते हैं उनको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये रहती है, लीगल एड की प्रॉब्लम रहती है, उन सब को हम यहाँ पे वो चीज़ें देंगे, वो प्रोवाइड करेंगे, जो जिसके हस्बे वो जिसे बोलते हैं कि उसके हिसाब से हो। आपने मेंबरशिप की बात की जी, मगर ये मुझे बताइए मेंबरशिप के लिए क्या करना पड़ेगा उनको जो आपके साथ जुड़ सके। देखो जहाँ तक हमने जो चिनाब लॉयर्स फेडरेशन की बात है, ये सिर्फ उन्हीं 3 डिस्ट्रिक्ट पे मेंबरशिप लेंगे जो उन एरियाज से आए होंगे यहाँ पे। तो कहने का है आप जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें पूरा ऑफिस बैरियर बनेगा, और उस ऑफिस बैरियर में उनको यहाँ पे एक फार्म निकाला जाएगा जिसके हिसाब से उनको भर के इसमें मेंबरशिप ली जाएगी, और जिस पे उसका क्वालिफिकेशन और बाहर का लाइसेंस भी देखा जाएगा। सर, जो आप फेडरेशन बता रहे हैं, चिनाब लॉयर्स फेडरेशन के नाम से, ये रिसेंटली आपने देखा होगा, मैंने प्रेस रिलीज भी पहले आई जब टीम बनाई गई है, लेकिन आज ये पहला इंटरेक्शन था हमारे अपने लोगों के साथ, तो ये सिर्फ वही इंटरेक्शन सेशन रहा है, तो इसके अलावा कुछ भी ऐसा आज नहीं है, सिर्फ इंटरेक्शन सेशन था ये। सर,